हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबीता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अद्विका। हम लोग एक हाथी की कहानी सुनाएंगे जो एक जंगल में रहता था, जो एक उसके फैमिली वाले जो लोग चले गए वो वाला। तो हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। एक बार एक जंगल में हाथी था। वो अपनी मस्तानी चाल चलता था और इस तरह से वो धीरे 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 मगन होकर चलता रहता था। एक बार वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कहीं जा रहा था और वो अपनी मस्तानी चाल में ऐसे मगन हुआ कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सब लोग आगे निकल गए और वो बहुत पीछे रह गया। जब उसने देखा तो उसे कोई नजर ही नहीं आया और वो बहुत सैड होने लगा। कोई भी नहीं दिखा उसे। अब वो सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर चलते 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 वो एक जंगल में पहुंच गया और वहां पर उसने देखा एक बंदर पेड़ पर उछल रहा था। तो उसने कहा, बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरे पास कोई खेलने के लिए नहीं है। मेरी फैमिली सब लोग मुझे छोड़ के आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। अब मैं अकेला हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर की बात सुन के हाथी बहुत उदास हो गया और वो उदास होकर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बंदर ने दोस्ती नहीं की तो मैं किसी और को दोस्त बना लूंगा। और वो जंगल की तरफ जाने लगा। चलते 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 उसे एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखकर उसने बोला, हिरन भाई, जानते हो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत दूर चले गए हैं और मैं अकेला रह गया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, आप तो मेरे साथ भाग नहीं सकते, आप मुझे फॉलो नहीं कर सकते, जाओ तुम। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना, मैं अकेले बहुत बोर हो रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगा, तुम जाओ जाओ। हिरन की बात सुनकर हाथी और उदास हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसका फ्रेंड क्यों नहीं बन रहा है। फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी और को फ्रेंड बनाऊंगा। और फिर चलते 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 वो एक जिराफ के पास पहुंचा। जिराफ लीव्स खाने में बिजी था। तो उसने कहा, जिराफ भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, आप मेरे गार्डन बहुत लंबे था, मैं खाने खाते मैं थक गया हूँ, मैं क्यों आपसे दोस्ती करना जाऊँ? आप तो मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो, आप तो मेरे जितने लंबे हो। नहीं, जाओ तुम जाओ। जिराफ की बात सुनकर हाथी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सैड हो गया और जाकर एक जगह बैठ गया। तभी उसने देखा कि गधा वहां से निकल रहा था। गधे को देखकर उसने कहा, एक्सक्यूज मी गधे भाई, रुको, मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अगर आपको मेरी दोस्ती बना, कैसे? क्योंकि आपने गधे की बात सुन के हाथी बहुत
अपसेट हुआ और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अपनी मम्मा की और अपने दोस्तों की और अपने पापा की और अपने भाई की बहुत याद आने लगी और उसने कहा, मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहूंगा। और वो जाकर एक जगह पर बैठ गया और सैड हो गया और रोने भी लगा। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, रोर करता हुआ। जैसे ही शेर की रोर को सबने सुना और सब भागने लगे और भागते भागते देखा एक गधा तो वहीं गिर गया। गधा ढेंचू कर रहा। जैसे ही शेर गधे के पास आने के लिए हुआ, हाथी ने देखा और हाथी सामने आ गया और फाइट करने लगा। हाथी ने अपनी बड़ी ट्रंक से शेर को बहुत मारा और उसने अपने बड़े से दांतों से शेर को मार दिया। और जब शेर की चोट लगी तो शेर डर के भाग गया और इस तरह से हाथी ने गधे की लाइफ को सेव कर लिया और सबकी लाइफ को भी। अब सारे दोस्त क्या बोलने लगे, थैंक यू हाथी, सॉरी हाथी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई आपको परेशान करेगा तो मुझे वहाँ पर आपको सेव करना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको सेव किया, मेरी मम्मा ने यही सिखाया था। और इस तरह से सारे जंगल के जानवर हाथी के दोस्त बन गए और पार्टी भी करने लग गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हाँ, हम लोग आपके लिए एक नया कहानी लेके आएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल किड सेंट्रल।